भाइयों और बहनों, आज आप सभी का, दर्शक गण, श्रोता गण, मातृशक्ति को नमन। आप सभी का के मनमोहक जन जागरण के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आज हम सभी एक ऐसे विषय पर मंथन करने जा रहे हैं जो कि हमारी विरासत है, हमारी हेरिटेज है और हमारी भारतीय संस्कृति का एक महान व्यक्तित्व है। और उस व्यक्तित्व ने हमारे देश को क्या दिया, कैसे आज़ादी दी, उसके बारे में आज हम सांगोपांग विवेचन करेंगे। आज का हमारा विषय है महात्मा गांधी एवं अहिंसा। इसके अंदर दो शब्द है, महात्मा गांधी और दूसरा अहिंसा। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अहिंसा का पूर्ण पालन कर देश को आज़ाद किया। और प्रारंभ के जीवन से ही आप एक संत प्रकृति के जीवन थे, एक संत प्रकृति के व्यक्तित्व थे। आपका जीवन सदाचार से ओतप्रोत था, आप सत्यभाषी थे और मानवीय मूल्यों में विश्वास करने वाले थे। और धीरे धीरे आप बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बाद के अंदर उन्होंने विदेश में जाकर के देखा कि हम हिंदुस्तानियों को जो है किस तरीके से गोरे लोग, उस वक्त हमारे देश के अंदर अंग्रेजों का शासन था, और वो किस तरीके से अंग्रेज लोग जो है हमें काले क्या करके पुकारा करते थे और हमारी इंसल्ट बेइज्जती किया करते थे और अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते थे और हमें एक सर्वेंट के रूप में, एक नौकर के रूप में समझते थे। तो इस तरीके से अपने जो है इस इंसल्ट से प्रेरित होकर के, इस अनादर से प्रेरित होकर के उन्होंने यह निश्चय किया कि मुझे इन लोगों से छुटकारा पाना है और मुझे राजनीति में आना है। क्यों? केवल वो संत प्रकृति के थे लेकिन उन्होंने अनुभव किया कि राजनीति में आए बिना इन लोगों को हम हिंदुस्तान से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो उनका ये राजनीतिक जीवन प्रारंभ हुआ। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी का जो जीवन था वो अहिंसा से ओतप्रोत था। और महात्मा गांधी जब विदेश के अंदर गए तो वहां पर उनकी माता जो पुतली बाई है, उन्होंने उनको तीन जो है व्रत दिलाए कि तुम विदेश, पहले तो बहुत कठिन तासे जो विदेश में भेजा जाता था और उनको जो उनके माता पिता विदेश नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन पुतली बाई ने जो इनके आग्रह पर जो है वो इनको विदेश जो जाने की अनुमति तीन शर्तों पर दी। नंबर एक है, तुम मद्य मांस का सेवन नहीं करोगे, तुम जो शराब का सेवन नहीं करोगे और तुम जो भोग विलासिता जो विदेश में चलती है उनका सेवन नहीं करोगे। तो इन तीन नियमों को लेकर के महात्मा गांधी बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए गए और उन्होंने वहां पर कितना संघर्ष किया। उन्होंने विदेश जाकर के इस चीज को महसूस किया कि हमारी दासता, हमारी गुलामी जो है हमारे लिए एक अभिशाप है। सबसे बड़ी बात उन्होंने वह विदेश जाकर के महसूस की। वो देश के प्रति उनका बड़ा प्रेम था, देश के बड़ी बड़ी भक्ति थी और देशवासियों के प्रति जो उनका चिंतन ऐसा था कि हमारे देशवासी स्वतंत्र हों और उनका स्वतंत्र चिंतन हो, उनके ऊपर किस तरह की बंदिश नहीं हो और उनको अपने देश के अंदर आदर मिलना चाहिए। जबकि हमारी गुलामी के कारण देश हमारा था, मिट्टी हमारी थी, साधन हमारे थे, लेकिन हमारे सारे साधनों को अंग्रेज लोग जो है लूट लूट करके जो है इंग्लैंड, यूके के अंदर ले जा रहे थे और हम पर शासन कर रहे थे, हम पर गोलियां बरसा रहे थे और हमको इतनी शिक्षा जो इतनी कम दी जाती थी कि हम मात्र क्लर्क बन करके रह सके, बड़े बड़े जो औहदों के ऊपर और बड़े बड़े जो है पद है उनके ऊपर जो है उनके लोग रहा करते थे। यानी पूर्ण रूप से जो है हम उनके गुलाम थे। ये गुलामी हमने अंग्रेजों के शासन में 200 वर्ष तक जो है सहन की। लेकिन महात्मा गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसके मन में ये जागृति पैदा हुई कि नहीं, मुझे हिंदुस्तान को, भारत माता को इस दासता की बेड़ियों से जो है मुक्त कराना है। और दृढ़ संकल्प के साथ में जो है उन्होंने वहां से बैरिस्ट्री पास करके और अफ्रीका में जाकर के आकर के हिंदुस्तान के अंदर जो है अपना आसन गाड़ा। और उन्होंने आसन के जो यहां आने के बाद के अंदर उन्होंने अहिंसा को अपना अमोघ मंत्र बनाया। अब हम थोड़ी पहले
अहिंसा क्या होती है उसकी परिभाषा कर लेते हैं। उसके बाद के अंदर महात्मा गांधी ने अहिंसा को किस तरीके से धारण किया ये हमें हम जानकारी करेंगे। अहिंसा का अर्थ होता है सामान्य रूप से कि किसी व्यक्ति को किसी प्राणी को नहीं मारना, ये तो अहिंसा की स्थूल व्याख्या हो गई। लेकिन अहिंसा की सूक्ष्म व्याख्या जो हमारे भारत में मिलती है, भारतीय धर्म ग्रंथों में मिलती है, वो अहिंसा की सूक्ष्म व्याख्या देश विदेश के किसी भी कोने में, पूरी सृष्टि में, पूरे जो है वर्ल्ड के अंदर नहीं मिलती है। हमारा भारत जो है अहिंसा प्रधान है, धर्म प्रधान है और आचार प्रधान है। और इस अहिंसा की परिभाषा भारत करता है कि किसी व्यक्ति को अंश मात्र भी जो है कष्ट ना हो, उसको तकलीफ ना हो, वो अहिंसा कहलाती है। और अहिंसा का अर्थ होता है कि हिंसा स्वयं नहीं करनी, दूसरे नहीं इससे नहीं करवानी, और अगर अन्य कोई हिंसा कर रहा है उसकी भी अनुमोदना नहीं करनी, मन से नहीं करनी, वचन से नहीं करनी और काया से नहीं करनी। ये हमारी भारतीय संस्कृति की अहिंसा की जो है सूक्ष्मतम व्याख्या है। इस व्याख्या का पालन करने वाला कोई भी व्यक्ति जो है अपने पड़ोसी का, अपने परिवार के सदस्य का और भारतवर्ष के या विश्व के किसी भी व्यक्ति के साथ के अंदर दुराग्रह नहीं कर सकता, उसके साथ अन्याय नहीं कर सकता और उसके साथ में किसी तरह की जो है बुरी प्रवृत्ति नहीं कर सकता है। और एक शांतिपूर्ण अहिंसा एक ऐसी जननी है जिसकी कोख से सारे भारतवर्ष के जितने भी धर्म ग्रंथ है, जितने भी हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है, वो अहिंसा माँ की कोख से निकले हैं। जो कोई धर्म में विश्वास करता है, जो कोई ग्रंथ लिखा जाता है उसमें अहिंसा सर्वप्रिय होती है। अहिंसा परमो धर्म यह कहा जाता है। हमारा परम धर्म है वो अहिंसा है, यानी किसी को भी हम कष्ट दें न दें। और एक सबसे बड़ी बात अहिंसा की परिभाषा यह है कि अपने आप को भी कष्ट नहीं देना, यानी अपने लिए अमंगल की भावना नहीं करना। अमंगल की भावना यह है कि मेरे पर कर्ज हो गया, मेरे जो मेरिट के अंदर मेरा नाम नहीं आया या मेरी किसी ने इंसल्ट कर दी, तो वो ऐसी व्यक्ति जो है मन में एक नकारात्मक भाव ले आता है कि मैं अपने आप का सुसाइड कर लूं, मैं अपने आप आत्महत्या कर लूं, इस जगत से चला जाऊं, या ऐसी जो है वो नेगेटिव फीलिंग करता है कि हे ईश्वर इस कष्ट भरे जो है जीवन के अंदर क्या रखा है, मुझे यहां से उठा लो। तो इस तरीके से अपने प्रति भी जो है वह किसी तरह का जो नेगेटिव थिंकिंग है वह भी करना एक हिंसा है। और घरेलू हिंसा होती है, हम अपनी पत्नी के साथ में या अपने बाल बच्चों के साथ के अंदर दुर्व्यवहार करते हैं, पत्नी को या अपने बहन भाई बहनों को या बेटियों को पीटा जाता है, ये घरेलू हिंसा की जाती है, टॉर्चर किया जाता है। और कई बार क्या होता है कि धन दौलत के लोभ के अंदर, आज दहेज प्रथा का आपने सुना होगा भाई और बहनों श्रोतागण, कि दहेज प्रथा को लेकर के हमारी बालाओं को, हमारी कन्याओं को कितना प्रताड़ित जो है ससुराल के अंदर किया जाता है, ये भी एक तरह की हिंसा है। यानी जितने नकारात्मक भाव है सब हिंसा है। नकारात्मक भावों का और हिंसा का बहुत बड़ा आपसी संबंध है। जहां जहां नकारात्मक भाव है वहां वहां जरूर हिंसा होगी, जहां सकारात्मक भाव है वहां अहिंसा होगी, और जहां अहिंसा है वह धर्म की स्थापना होगी, और जहां पर धर्म है वहां मानव के प्रति है वो सद्भावना रखेगा और एक दूसरे से प्रेम करेगा। और हमारी ये सृष्टि, हमारी पृथ्वी है, हमारा घर है, हमारा परिवार है, एक स्वर्ग के समान बनेगा। तो बंधुओं, अगर हम अपने देश को या अपने इस पृथ्वी को, इस सृष्टि को अगर हम जो है अच्छा एक स्वर्ग बनाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा जो है वो अहिंसा का है। इसी अहिंसा से प्रभावित होकर के आज पूरे विश्व के अंदर यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर करीब 200 देशों के सदस्य है, उन सभी ने इस अमोघ मंत्र अहिंसा को, जो कि महात्मा गांधी का जो है अमोघ मंत्र था और उन्होंने अहिंसा के आधार पर जो है हमारे देश को जो है आजाद कराया था, तो उसी कारण से 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष यूएनओ जो है पूरे विश्व के अंदर अहिंसा दिवस मनाता है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन है। अब आप देखिए कि महात्मा गांधी अहिंसा का आधार लिया और 2 अक्टूबर उनके जन्मदिन के ऊपर अहिंसा को किस तरीके से विश्वव्यापी किया गया है। और ये अहिंसा जो है वो हमारे भारत के अंदर सबसे अधिक पालन की जाती है, क्योंकि भारत जो है
प्रारंभ से ही आध्यात्मिक देश रहा है, एक धर्म गुरु देश रहा है और ये योग का देश रहा है। और जहां जहां पर अच्छी अच्छी भावनाएं, अच्छे अच्छे विचार होते हैं, वहीं अहिंसा निवास करती है। जिस घर के अंदर अहिंसा नाम की देवी जो है निवास करती है, उस घर के अंदर संपन्नता रहती है, सुख रहता है, संपत्ति रहती है और सौहार्द रहती है। हम अहिंसा का संबंध जो है नैतिकता से भी है। जो व्यक्ति नैतिक होगा वो अवश्य ही अहिंसक होगा। आज हम पूरे हमारे जो वर्किंग फील्ड है हमारा, चाहे दुकान का काम हो, चाहे किसी भी अन्य व्यवसाय का काम हो, यदि व्यक्ति अहिंसा नाम की देवी को अपने दुकान के ऊपर या अपने व्यवसाय के अंदर या अपने कार्यालय में स्थापित कर दे, तो वह कार्यालय एक बहुत ही सुंदर कार्यालय हो सकता है और उस कार्यालय में कभी भी अनैतिक काम नहीं होगा। जो व्यक्ति अहिंसक होगा वह कभी भी अनैतिक नहीं हो सकता, और जो व्यक्ति हिंसक है वो कभी भी नैतिक नहीं हो सकता है। यानी अहिंसा और नैतिकता का जो है संबंध है वो एक सिक्के के दो पहलू की तरह होते हैं। जैसे कि सिक्का होता है, उसको कितने टुकड़े करो उसके हमेशा दो पहलू होते हैं। एवरी कॉइन कंटेन्स टू सरफेसेस। एक सरफेस वाला कॉइन कभी नहीं होता है। और इसी तरीके से हम नैतिकता को और धार्मिकता को, आध्यात्मिकता को, प्रेम को जो है हम अहिंसा से जोड़ सकते हैं। यानी अहिंसा एक ऐसी माँ है जो कि गुणों का पुंज है, और जो ये माँ जा निवास करती है वहाँ सारा सौहार्द होता है और वहाँ बुराइयाँ नाम की कोई भी चीज़ नहीं आ सकती। आज हम देख रहे हैं विश्व के अंदर आतंक की समस्या है, नक्सलिज्म की समस्या है, आज करप्शन की समस्या है, आप अब्रह्मचर्य के रूप में रेप की समस्या है, हमारी माता बहनों के का जो है वो इंसल्ट की जाती है, उनका अनादर किया जाता है। इन सब का कारण है क्रूरता है, और ये क्रूरता हिंसा से आती है। क्रूरता और हिंसा का जो है चोली दामन का साथ है। क्रूरता और हिंसा को जीतने के लिए हमें अहिंसा को प्रधान बनाना पड़ेगा। हमारा देश है वो अहिंसा प्रधान है। अब महात्मा गांधी ने किस तरीके से अहिंसा का जो है वो अहिंसा को अपने जीवन के अंदर जो है ढाला, जीवन के अंदर लिया, तो श्रीमद् राजचंद्र गुजरात के आगास आश्रम के बड़ौदा के पास के रहने वाले एक जैन साधक थे, वो कि इनके पड़ोसी थे महात्मा गांधी से, और वो श्रीमद् राजचंद्र के पास में जाया करते थे। श्रीमद् राजचंद्र जो है जैन धर्म के बहुत बड़े अन्यायी थे, वो आत्मा में विश्वास करते थे, बहुत बड़े पहुंचक थे और उनको आत्मसिद्धि थी, पहुंचे हुए थे, उनको आत्मसिद्धि थी और वो अहिंसा प्रधान जीवन जीते थे। उनके जीवन का लक्ष्य ही यही था कि पूरा जीवन जो है पूर्ण अहिंसक बने। तो इस कारण से जब महात्मा गांधी का जो है श्रीमद् राजचंद्र से संपर्क बराबर बना रहता था, उन्होंने सोए अहिंसा का पाठ पढ़ा और उन्होंने अपने जीवन में अहिंसा को धारण किया और जीवन में एक लक्ष्य बनाया कि देश को आजाद करने का मेरा लक्ष्य है, वो अहिंसा के माध्यम से मैं जो देश को आजाद करूंगा। तो उन्होंने इस तरीके से हमारे को एक एक करके मैं बताना चाहता हूं कि किस तरीके से उन्होंने जो है हमें आयाम दिए, जिसके माध्यम से उन्होंने जो है अंग्रेजों को भारतवर्ष से खदेड़ा। उन्होंने सत्याग्रह दिया। सत्याग्रह का अर्थ यह है कि हम सत्य पर अड़िग रहेंगे, हम कोई तरह की हिंसा नहीं करेंगे और सत्य पर अड़िग रह करके हम आमरण अनशन करेंगे, सत्य पर बैठेंगे, हड़ताल करेंगे और उनको मजबूर कर देंगे अंग्रेजों को कि अंग्रेजों लोग अब समय आ गया है तो हमारा भारत छोड़ दो। इसमें हालांकि बहुत से लोगों को बलिदान देना बनना पड़ा। हमारे देश में भी जब महात्मा गांधी पूरी तरह से राजनीति के अंदर आ गए और उन्होंने एक बिगुल बजा दिया आज़ादी का, उस समय के अंदर जो है वो दूसरे जो लोग उनके साथ के अंदर जो है भगत सिंह जैसे और जो है कई तरह के बहुत से जो है उनके साथ के अंदर लोग जुड़ गए। तो हमारे यहाँ पे भी दो तरह के दल बन गए, गर्म दल और एक नरम दल। महात्मा गांधी जो है वो नरम दल के थे और गर्म दल के अंदर जो है सर जगदीश चंद्र, हम नरम के अंदर कहते सुभाष चंद्र बोस है, सरदार पटेल वगैरह जो है ये थे, और उसके बाद के अंदर नेहरू भी जी जी है महात्मा गांधी के साथ में जुड़ गए। तो सत्याग्रह, महात्मा गांधी ने पूरे जगह जगह जाकर के सभाएं की और उन सभाओं के माध्यम से भारतीय जनता को बताया कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और अपने गोखले जी और बाल गंगाधर तिलक जैसे बड़ी बड़ी महान विभूतियां जो है महात्मा गांधी के साथ के अंदर वो जो है वो दीनदयाल उपाध्याय जी और बहुत सी हस्तियां इनके साथ के अंदर जुड़ गई। और उस वक्त के अंदर एक जो है महात्मा गांधी ने देश के अंदर आह्वान किया कि जो लोग आज़ाद
आजादी का प्रिय आजादी जिनको, और जो आजादी के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश को आजाद करना चाहते हैं, वो हमारे साथ में आइए। इस तरीके से बहुत से दल बन गए और महात्मा गांधी ने जगह जगह, गांव गांव, गली गली पैदल यात्राएं करके और बहुत सी सभाएं करके लोगों को बताया कि अंग्रेज लोग आर्थिक रूप से हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारे यहाँ से जितना भी जो माल है वो बाहर ले जा रहे हैं, हमको पंगू बना रहे हैं, और हमारी शिक्षा है वहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा को स्थापित कर रहे हैं जो ऐसी है कि वो मात्र जो है हमें एक क्लर्क बना सकती है, बड़े अधिकार नहीं दे सकती है, और बड़ी बड़े जो पद है उन पदों पर सारे अंग्रेज लगाए जाते थे, और हमें हर तरीके से हीन भावना, हम भारतीय लोगों को इतना हीन बना दिया था कि हम उनके सामने एक सेवक के रूप में, एक नौकर के रूप में काम करेंगे, जबकि देश हमारा था, धरती हमारी थी, और दूसरा पूरा आकाश हमारा था। उसमें आकर के उन लोगों ने जो इस तरीके का शासन किया, उन्होंने सत्याग्रह पढ़े रहे, उन्होंने कहा कि जब तक जो है आप हमारी धरती से नहीं चले जाओगे, हम सत्याग्रह बराबर लगातार करते रहेंगे, और पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर जिन स्वतंत्र सेनानियों ने हैं वो अलग अलग जो है जाकर के सभाएं की, जो है सभाओं के माध्यम से लोगों के अंदर जागृति पैदा की, और जहां जहां उस जागृति से जहां जहां अंग्रेज मिलते थे, अंग्रेजों की पुलिस हुआ करती थी और अंग्रेज लोग हमारे पे अत्याचार करने लग जाते थे तो उनका हमने फेस किया। हालांकि अहिंसा के माध्यम से हमारी बहुत बड़ी जो है जन और धन की हानि भी हुई और बहुत से जो हम पर अत्याचार जो है अंग्रेजों ने किए, लेकिन हमने जलियांवाला जो बाग है, वह कांड है, कितने लोगों को जो है उन्होंने गोली से भून दिया गया, ऐसे बहुत से किस्से हैं कि ये जो हमें आज़ादी मिली है ये आज़ादी बहुत बड़े मूल्य के बाद मिली है, बहुत से लोगों का जो है वो बलिदान देने के कारण जो है ये हमें आज़ादी मिली है, और इस आज़ादी के अंदर जो इनका सत्याग्रह का जो था वो एक बहुत बड़ा जो है मिशन था, और उसके माध्यम से जो है महात्मा गांधी ने जो ये जो है वो सारा किया। महात्मा गांधी ने लोगों की भलाई के लिए एक सर्वोदय दिया। सर्वोदय का अर्थ होता है कि सबका उदय हो, सब समान है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, जिसने भारत की धरती पर जन्म लिया है उस भारत की धरती पर सबको जीने का अधिकार है, और जो प्रकृति हमें सुविधाएं देती है उन सुविधाओं का उपभोग करने का जो है हर भारतीय को अधिकार है। सभी हम भारतीय भाई भाई है। इन्होंने साबरमती पे जो है नदी के किनारे अपना जो है आश्रम बनाया, और उनकी कस्तूरबा पत्नी थी, उनके साथ में पत्नी होते हुए भी कुछ समय के बाद उन्होंने ब्रह्मचर्य वर्तन जो है वो धारण कर लिया, और उसको अपनी बहन के रूप में, अपने मित्र के रूप में उसको रखते थे, और महात्मा गांधी की उन्नति के अंदर कस्तूरबा का जो है बहुत बड़ा स्थान था, बहुत बड़ा सहयोग था, बहुत बड़ा हाथ था, तब महात्मा गांधी इतने जो है स्वतंत्र रूप से जो है देश को आज़ाद करा सके। सर्वोदय के बारे में बंधुओं, महात्मा भाई और बहनों, श्रोतागण, आज हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारा देश आज़ाद है। इस आज़ादी के पीछे सबसे बड़ा योगदान महात्मा गांधी का था। वैसे तो बहुत से जो है बलिदानियों ने बलिदान दिए हैं, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, लेकिन फिर भी एक एक नेता जो देश के अंदर एक जाना माना नेता जो कि लीडरशिप कर सके वो महात्मा गांधी थे, और उन्होंने जीवन भर जो है वो नेतृत्व किया, और नेतृत्व करके अलग बना करके और एक अलग जगाई जनता में, अभी पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर जो है वो एक एक जागृति पैदा हो गई है कि हमें अंग्रेजों को खदेड़ना है और देश को आज़ाद करना है, और जब हमारी आज़ादी होगी तो हमारा शासन होगा, वो शासन हमारे द्वारा किया जाएगा, हमारे लिए होगा और हमसे किया जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने इस तरीके से जो है वो सत्याग्रह के द्वारा देश को आजाद किया, और सर्वोदय एक ऐसा मिशन दिया जिसके अंदर उन्होंने सहकारी समितियां, महात्मा गांधी ने पूरा एक जीने का सिस्टम दिया। आज हम देख रहे हैं कि आज हमारे देश के अंदर सबसे जो है ग्राम पंचायत के ऊपर ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर जो है वो हमारा जिला, जिला के ऊपर जो है हमारा काम जो है ये हमारा जो कमिश्नरेट होता है, उसके बाद के अंदर हमारा प्रांत, ये व्यवस्था महात्मा गांधी ने दी। और महात्मा गांधी ने सबसे बड़ा जो है स्वरोजगार के लिए उन्होंने छोटे छोटे कुटीर उद्योगों का जो स्थापना की। महात्मा गांधी जो मशीनरी है उसके लिए जो विरोधी नहीं थे,
पर वो मानते थे कि उनकी मान्यता थी कि एक मशीनरी है, कोई भी मशीन है, वो हजारों हजारों लोगों का काम एक स्वयं मशीन कर लेती है, तो उस हमारे भाई बहुत है, वो बेरोजगार हो जाते थे। हमारे देश के अंदर शिक्षा की जो कमी है, और सबसे बड़ा जो है कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसको रोजगार है, कुटीर उद्योगों से मिलता था। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि कुटीर उद्योगों से हमारे गाँव खाली नहीं होंगे, गाँव का व्यक्ति गाँव में रहेगा। ग्राम पंचायतों का उन्होंने आविष्कार किया कि छोटे छोटे गाँवों के अंदर एक पंचायत हुई जिसका सरपंच हो, और वार्ड के अंदर एक एक जो है उसका जो है वो पंच गिना जाता था। ये सब मिलकर किस व्यवस्था को चलाते थे, और जो भी आय जो है पंचायत की होती थी वह जो है वो जनता के लिए खर्च की जाती थी, बिजली के लिए, पानी के लिए, सफाई के लिए, शौचालय के लिए, अन्य जो हमारी जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं वो सारी जो है वो ग्राम पंचायत पूरी करती थी। और ये ढांचा धीरे धीरे बढ़ के जो है हमारा जिले स्तर पर आया, और उसके बाद के हमारे प्रांत के स्तर पर आया, और देश के स्तर पर आया। तो बंधुओं, सर्वोदय एक सहकारिता का मंत्र था कि सभी उसमें जुड़े, और हम जो भी कार्य करते हैं सार्वजनिक रूप से उस सब पे अधिक उसका सबका अधिकार है और सबका उत्तरदायित्व है। महात्मा गांधी जितना अधिकार की बात करते थे उससे ज्यादा उत्तरदायित्व की बात करते थे। वो कहते थे कि आप उत्तरदायित्व लीजिए, जो व्यक्ति अपना कार्य ईमानदारी से करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, अपने आप को उत्तरदायी समझता है, तो अधिकार तो अपने आप मिलते हैं, अधिकार तो उत्तरदायित्व से मिले होते हैं। और कोई व्यक्ति मात्र अधिकार की बात करता है और उत्तरदायित्व नहीं लेता, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, कोई कार्य नहीं करता है समाज का और जनता का, और केवल अधिकार की बात करता है, तो ये शोषण है, ये अनैतिकता है, और उसको कोई भी अपना अधिकार लेने का जो है वो उसको किसी भी तरह का अधिकार प्राप्त करने का वह हकदार नहीं है। महात्मा गांधी जो है इतना सादगी पूर्ण उनका जीवन था। एक बार उदाहरण के लिए ये आता है कि वो कितने मितवेयी थे और पर्यावरण के कितने संरक्षक थे महात्मा गांधी। समस्त जो प्राकृतिक चिकित्सा, उनका पूरा स्वास्थ्य प्राकृतिक चिकित्सा पे होता था। वो जो है जल नेति किया करते थे, और जब कभी भी उनको बुखार वगैरह होता था तो मात्र जल की पट्टी बांध दिया करते थे, और कभी पेट के अंदर जो अपच की स्थिति हो जाती थी तो मिट्टी का उसके ऊपर लेप कराते थे, वो स्टीम बाथ लेते थे और कोल्ड बाथ लिया करते थे। और इस तरीके से उन्होंने पूरा, और एनिमा वगैरह, ये पूरा उनका जीवन प्राकृतिक, उनकी मान्यता थी कि हम प्रकृति ने हमको पैदा किया है, और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांच मूल जो भौतिक तत्व हैं, इन तत्वों से हमारा ये शरीर बना है, इससे शरीर का पोषण होता है, और इन पांच तत्वों के अंदर पूरी हमारा इलाज को ठीक करने की रेमेडी है, इसके अंदर पूरी ताकत है, इसलिए इन पांच तत्वों का भरपूर ही उपयोग किया करते थे। भाई और बहनों, मातृशक्ति, दर्शकगण, श्रोतागण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मनमोहक कार्य के अंदर अपनी बराबर जो है आधा घंटा घंटा भर की उपस्थिति दर्ज करा करके और टकटकी लगा करके आपने मेरी बात को जो है बहुत गहराई से सुना। आप और मेरे बीच में तारतम्य बना, तादात्म्य बना, और हमने इस विषय को बहुत गहनता से चिंतन किया, मनन किया, निध्यासन किया, और एक दूसरे को इस विषय को गहराई से समझा। इसलिए आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार, कृतज्ञता, और आपके प्रति आपकी मनोभावना कि आपका शुभ हो, मंगल हो, आपका जीवन आनंदमय हो।